6 मई 2021 को राइट टू हेल्थ के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि यहां के निवासियों का आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट है कि अगर वो बीमार होते हैं तो सरकार उनके इलाज का इंतजाम करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है और ये बात एक्सपोज हो गया है जब इसको हमें जरूरत पड़ी। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम किसी को इलाज से इसलिए नहीं मना कर सकते क्योंकि राज्य के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम लोगों ने कसम खाई है, मतलब जजेस ने कसम खाई है कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। कोर्ट ने जो है दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया फाइनली इसके अंदर कि जिसको भी जो फैसिलिटी की जरूरत है वो दिल्ली राज्य जो है वो उसको प्रोवाइड करेगा। जो भी लोग कोविड से पीड़ित हैं अगर उनको हॉस्पिटलाइजेशन विद मेडिकेशन चाहिए तो वो दिया जाएगा, अगर उनको ऑक्सीजन बेड की जरूरत है तो वो दिया जाएगा, अगर आईसीयू बेड की जरूरत है तो वो दिया जाएगा, अगर किसी को वेंटिलेटर बेड की जरूरत है तो वो भी दिया जाएगा। तो अब ये हाईकोर्ट ने एक तरीके से राज्य को जो है निर्देश दिया है और अगर कोई व्यक्ति कोई पेशेंट जिसको ये सुविधा नहीं मिल रही है वो हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा सरकार के खिलाफ। थैंक यू।